इन फॉर्मूलों के आधार पर हम देखते हैं कि स्थायी किस्त पद्धति में हम मूल्यह्रास की गणना किस तरह से करते हैं, संपत्ति के विक्रय पर हम लाभ हानि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। भारत इंडस्ट्रीज बॉट अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹90,000। On 1st May 2016, it bought another machinery for ₹30,000. On 31st March 2017, it sold the machinery bought in 2015 for ₹60,000 and bought a new machinery on the same date for ₹30,000. It was decided to provide depreciation on machinery at the rate of 20% per annum on a straight line method. Accounts are closed on 31st December each year. Show machinery account for 3 year. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि भारत इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है 1st अप्रैल 2015 को ₹90,000 में। दूसरी मशीनरी इसने परचेज की है 1st मई 2016 को और वो मशीन थी ₹30,000 की। और 31st मार्च को जो मशीन सेल की गई है, हमने जो 15 में जो मशीनरी हमने परचेस की थी 1st अप्रैल 15 को, उसको हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं 60,000 में, और साथ में हम एक न्यू मशीनरी भी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में हमको पर ईयर कुछ ना कुछ नया काम करना है। एक बार हमको मशीनरी को बेचना है तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर हमको उसी समय उस मशीन को बेच के नई मशीन खरीदनी है तो न्यू मशीन की एंट्री हमको करनी पड़ेगी। बहुत आराम से सावधानी से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम 2015 के लिए बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे, 1st अप्रैल 2015 का बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये मशीनरी है हमारी 90,000 की, तो हम 2015 में 1st अप्रैल यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 90,000, और 31st दिसंबर को हम इसका जब बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, हमको ये समझ लेना है कि ये फर्म जो है ये कैलेंडर ईयर से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अकाउंट्स और क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर ईच ईयर, यानी कि 1st जनवरी को अकाउंट ओपन करता है और 31st दिसंबर को ये क्लोज कर देता है। तो ये फर्स्ट जो मशीनरी है वो हमारे पास अप्रैल टू दिसंबर केवल 9 मंथ ही रही है अभी तक, तो हम केवल 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन इस पे अभी कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 90,000 इंटू 9 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 12, यानी कि 13,000 इसका डेप्रिसिएशन हम 9 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। और फिलहाल 2015 में और कोई नई मशीन हमने परचेस नहीं की है, तो यहीं पर हम इसको क्लोज कर देंगे। 90,000 से 13,500 हम माइनस कर देंगे और बैलेंस हमको मिल जाएगा 76,500, और यहाँ पर हम बैलेंस 76,500 लिख के क्लोज कर देंगे। अब ये जो बैलेंस है 31st दिसंबर का, इसको हमको ओपनिंग बैलेंस के रूप में वापस लाना है 2016 में, तो क्योंकि हम कैलेंडर ईयर से चल रहे हैं तो हम 1st जनवरी 2016 को इस ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, और हमको यहाँ पर मार्किंग कर देना है कि ये फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम 1st मई को एक और मशीनरी परचेस करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 76,500 एक फर्स्ट मशीनरी के लिए, और 1st मई 2016 को एक और मशीनरी हम यहाँ पर परचेस कर लेते हैं, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब भी हम मशीनरी परचेस करेंगे हमारी जनरल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 30,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब जब हम इसको 31st दिसंबर को क्लोज करेंगे तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पहले। तो फर्स्ट मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो तो होल ईयर के लिए रहेगा, क्योंकि अब हम इसको जनवरी टू दिसंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली हमारी जो मशीनरी थी उसका 20% डेप्रिसिएशन अगर हम लेते हैं पूरे एक साल के लिए तो 18,000 डेप्रिसिएशन आता है, तो पूरा का पूरा 18,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड हमारी जो मशीनरी है वो हमने 1st मई को परचेस की है, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर और दिसंबर, 8 मंथ तक ये मशीन अभी हमारे पास थी, तो हम 30,000 का 20% 8 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी 30,000 इंटू 20 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 4,000 इसका डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों मशीनरी का डेप्रिसिएशन मिलाकर हो जाता है 22,000,
अब हम फर्स्ट मशीन के बैलेंस में से फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और सेकेंड मशीन के बैलेंस में से सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस है 76,500, इसमें से हम माइनस कर देंगे 18,000, तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस हमको 31 दिसंबर को मिल जाएगा 58,500, और सेकेंड मशीनरी का बैलेंस हमको मिल जाएगा 30,000 माइनस 4,000 यानी 26,000 यानी 84,500। टोटल 1,06,500 से हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 2016 के बाद अब हम इस क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं 2017 में। 2017 में 1 जनवरी को हम सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, फर्स्ट 58,500 और सेकंड मशीनरी के लिए 26,000, टोटल ये हो जाएगा 84,500। अब हमको देखना है 2017 में हमने बहुत सारा काम किया है। एक तो हमने एक मशीन को सेल कर दी है जो कि हमने 2015 में परचेस की थी। दूसरा हमने एक और मशीन परचेस कर ली है 30,000 रुपीज में सेम डेट पे। तो किस डेट पे हम इसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं? ऑन 31 मार्च 2017। तो एक तो हमको इसको पहले यहाँ पर एंट्री कर लेनी है परचेस की कि एक थर्ड मशीनरी हमने परचेस की 31 मार्च 2017 को, इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे 30,000 से। तो हमारे पास अब 3 मशीनरी होगी, हमको इसकी मार्किंग कर देना है, फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी, 3 मशीनरी हमारे पास हो गई। अब हम सबसे पहले ये जो मशीनरी हमको बेचनी है उसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये जो मशीनरी हम 31 मार्च को बेचेंगे उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 31 मार्च बाय बैंक अकाउंट, और क्योंकि अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अगर हम कोई मशीन सेल करते हैं तो ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट। और 60,000 में हमने इसको सेल किया तो 60,000 हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमको डेप्रिसिएशन देखना होगा। तो 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हमको ध्यान रखना है कि हम अभी भी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चल रहे हैं, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो एक बार हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं वही हमारा डेप्रिसिएशन रहता है जो कि मशीन की मूल लागत पे फिक्स कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको कम ज्यादा करते हैं, कभी 3 मंथ, कभी 6 मंथ, कभी होल ईयर, ये अलग है। जैसे यहाँ पर हमको जो बैलेंस मिला है मशीनरी वो 1 जनवरी का है जबकि हम सेल कर रहे हैं इस मशीनरी को 31 मार्च को, यानी 2017 में ये मशीन हमारे पास केवल जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने ही रही है। तो हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन है इसका 18,000, उसमें से हम केवल 3 मंथ का डेप्रिसिएशन ही अलग कर लेंगे। हम इसके लिए 18,000 × 3/12 कर सकते हैं, तो ये हमको 3 मंथ का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 4,500। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 58,500 की मशीनरी थी, कॉस्ट प्राइस था, इसके 3 मंथ चलने के बाद 4,500 इसमें से और कम हो गया। अब हम देखते हैं कि जिस दिन ये मशीन बिकी उस दिन इस मशीन की वैल्यू कितनी थी। तो बैलेंस है हमारे पास 1 जनवरी को 58,500, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 3 मंथ का 4,500, यानी जिस दिन इस मशीन को हम बेच रहे हैं उस दिन इसकी कॉस्ट है 54,000, और 54,000 की मशीनरी को हमने 60,000 में सेल कर दिया, यानी यहाँ हमको दिख रहा है कि 6,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट है तो इसके लिए अगर हम जनरल एंट्री लिखते हैं तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे तो हम ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, और 6,000 से हम इसकी एंट्री डेबिट साइड में कर देंगे। अब हमारे पास बचती है 2 मशीन, एक तो 26,000 की और एक जो हमने इस साल न्यू परचेस की है 30,000 की। इन दोनों पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को एक जो मशीनरी हमारी 26,000 की थी उसकी तो हमने देखा ऑलरेडी हमारे पास उसका डेप्रिसिएशन है 4,000, जो प्रीवियस ईयर में हमको दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन वो 8 मंथ का है, लेकिन हमको यहाँ पर पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लिखना है,
ये मशीनरी कितने की थी? 30,000 की। अगर उस पे हम पूरे एक साल का 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये डेप्रिसिएशन हो जाता है 6,000। तो ये सेकेंड जो मशीनरी थी हमारी उसका हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर 6,000 लिखेंगे, और न्यू मशीनरी जो हमने परचेस की है 31 मार्च को 30,000 की, इस पे हम डेप्रिसिएशन करेंगे अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यानी 9 मंथ का। तो 30,000 पे हम 20% 9 मंथ के लिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 30,000 इंटू 20 इंटू 9 अपॉन 100 इंटू 12 4,500। तो टोटल हो जाता है ये 10,500। और अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्किंग हमको करना जरूरी है ताकि हमको ये पता चल जाए कि सेकेंड मशीनरी का बैलेंस क्या था और सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन क्या था, थर्ड मशीनरी का बैलेंस क्या था और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन क्या था। तो सेकेंड मशीनरी का बैलेंस 26,000 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 6,000 इसका डेप्रिसिएशन, तो हमको बैलेंस यहाँ पर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी यहाँ पर मिल जाएगा 20,000। और थर्ड मशीनरी जो है जो कि 31 मार्च को 30,000 की थी, उसमें हमने डेप्रिसिएशन 9 मंथ का माइनस किया 4,500, तो बैलेंस हमको यहाँ पर मिल जाता है 25,500 का, यानी टोटल बैलेंस हमको मिल जाता है 31 दिसंबर 2017 को 45,500 का। और यहीं पर हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को 1,20,500 से क्लोज कर देंगे। बड़जात्या ब्रदर्स ने 1 जनवरी 2015 को 45,000 रुपए की एक पुरानी मशीनरी खरीदी और उसके मरम्मत व स्थापना पर 5,000 रुपए व्यय किए। 1 जनवरी 2016 को एक और मशीन 15,000 रुपए में खरीदी गई। 1 जुलाई 2017 को वह मशीन जो 1 जनवरी 2015 में खरीदी थी 36,000 रुपए में बेच दी और उसी दिन तीसरी मशीन 25,000 रुपए की लागत में क्रय की गई। यदि फर्म 10% वार्षिक की दर से स्थायी किस्त पद्धति पर मूल्यह्रास का आयोजन करती है तो 2015 से 2017 तक का मशीन खाता तैयार कीजिए। यहाँ पर हमको हम देख रहे हैं कि एक पुरानी मशीन खरीदी गई है 1 जनवरी 2015 को 45,000 और उसकी मरम्मत और स्थापना पर व्यय किए गए 5,000। तो हमने पहले भी देखा था कि मशीन जब हम खरीदते हैं उसको लाते ले जाते हैं एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, यानी टोटल हम मान सकते हैं कि हमने 50,000 की मशीनरी परचेस की है। तो 2015 को 1 जनवरी को हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के टू कैश 50,000, और जब हम 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे तो हम इसका 10% डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट करेंगे 50,000 का 10% 5,000, और फिर 31 दिसंबर 2015 को हम इसका बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे 45,000 और 50,000 से हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर 2016 में हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हम क्योंकि कैलेंडर ईयर से हम चल रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 जनवरी को इसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर 45,000 का आ रहा है तो 45,000 का बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। और फिर से हमने 1 जनवरी 2016 को एक मशीनरी परचेस की है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे टू कैश अकाउंट 15,000 से। यहाँ पर हम इन दोनों मशीनरीज को कुछ नाम दे देंगे ए बी या फिर फर्स्ट सेकेंड ताकि याद रहे कि कौन सी मशीनरी का कौन सा डेप्रिसिएशन है कौन सा बैलेंस है। तो 31 दिसंबर 2016 को जब हम इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट मशीनरी जो थी उसका तो डेप्रिसिएशन वही रहेगा क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चल रहे हैं, स्थायी किस्त पद्धति से हम चल रहे हैं, और सेकेंड मशीनरी यानी 5,000 ही रहेगा। और सेकेंड मशीनरी जो कि हमने 15,000 में खरीदी है पूरे एक साल तक हमारे पास थी, जनवरी में हमने उसको खरीदा, 31 दिसंबर को हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो 10% इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं 15,000 का तो 1,500 यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन आ जाता है। और टोटल डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2016 के लिए हो जाता है 6,500। अब हम बैलेंस इसका कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस जो कि 45,000 की थी उसमें से हम 5,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस यहाँ पे हो जाता है 40,000।
सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो कि 15,000 की थी, 1500 हम इसका डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 13,500, तो ये टोटल हो जाता है 53,500 यानी कि 60,000। अब ये जो 53,500 बैलेंस है 31 दिसंबर 2016 का, इसको हम ट्रांसफर करके ओपनिंग बैलेंस में ले आते हैं 1 जनवरी 2017 के लिए, और 53,500 हम इसका बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जुलाई को एक और मशीनरी परचेस की गई है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 25,000 से। अब यहाँ पर हमारे पास तीन मशीनरी है, तीनों को हमने अलग अलग यहाँ पर लिखा है, 40,000 की है, 13,500 की है और 25,000 की है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। अब एक मशीन हम यहाँ पर बेच रहे हैं, कौन सी मशीन हम बेच रहे हैं, जो कि हमने 1 जनवरी 2015 में परचेस की थी, यानी कि हमको ध्यान रखना है फर्स्ट मशीनरी को हम बेच रहे हैं जो फर्स्ट हमने परचेस की थी। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम अगर चलेंगे तो फर्स्ट वाली मशीनरी को हम बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 36,000 में, और कब बेच रहे हैं, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को हम इस मशीन को पहले सेल करेंगे, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 36,000। फिर हम इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, 40,000 की ये जो मशीन है इस पे डेप्रिसिएशन जो था वो 5,000 था 1 ईयर के लिए, लेकिन बेचते समय ये मशीन इस सेशन में सिर्फ 6 मंथ ही हमारे पास रही। 1 जनवरी का बैलेंस है हमारे पास और 1 जुलाई को हम इसको बेच रहे हैं, यानी कि जनवरी टू जून 6 मंथ ही ये मशीनरी हमारे पास रही है। तो 2,500 से हम इसका बैलेंस, इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हम देख रहे हैं कि 40,000 की मशीन में से 6 मंथ में 2,500 डेप्रिसिएट हो गया, यानी कि जिस दिन हमने इस मशीन को सेल किया उस दिन ये मशीनरी थी 37,500 की। अब 37,500 की मशीनरी को हमने सेल कितने में किया, 36,000 में, यानी हमको यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हमको 1,500 का लॉस हुआ है। अब क्योंकि ये लॉस है तो इसको हम यहाँ पर क्रेडिट में ही लिखेंगे, क्योंकि जनरल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होता है, तो हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कब लिखेंगे, 31 जुलाई को, मंथ के एंड में 1500। तो ये हमको मिल गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब हमारे पास दो मशीनरी बची, एक 13,500 की है और एक जो हमने 1 जुलाई को परचेस की थी 25,000 की, वो है। तो सेकेंड मशीनरी जो फर्स्ट तो सेल आउट हो गई, सेकेंड मशीनरी जो बची हुई है 13,500 की, उसका जो डेप्रिसिएशन है 1500, वो 1500 ही रहेगा, उसमें कुछ भी हमको चेंज यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन थर्ड जो मशीनरी हमने न्यू मशीनरी परचेस की थी वो 25,000 का है, तो उसका हमको डेप्रिसिएशन यहाँ पे केवल 6 मंथ का ही निकालना है, क्योंकि जुलाई में हमने परचेस की और 31 दिसंबर को हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1250। तो यहाँ पर हम 1250 और 1500 दोनों मिलाकर 2750 से इसकी एंट्री कर लेंगे, और फिर हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 13,500 की मशीनरी में 15,000 माइनस कर देंगे तो 12,000 की मशीनरी बच जाएगी बैलेंस में, और फिर 25,000 में से 1,250 माइनस कर देंगे तो 23,750 का बैलेंस बच जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पर हो जाएगा 35,750। 78,500 से हम इस बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एक मशीन का क्रय मूल्य 60,000 रुपये है, उसके स्थापना व्यय 2,500 रुपये तथा अवशिष्ट मूल्य 4,500 रुपये है। मशीन के कार्यावधि 10 वर्ष है। यदि स्थायी प्रभाव पद्धति से ह्रास की गणना की जाती है तो मूल्य ह्रास की गणना कीजिए तथा 3 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइए। द परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी ₹60,000, इट्स एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर ₹2,500 एंड रेसिड्यूअल वैल्यू इज ₹4,500। इट्स वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर। If the depreciation calculated by fixed installment method, value the depreciation and prepare machinery account for 3 years. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक मशीन खरीदी गई है जिसका क्रय मूल्य 60,000 रुपये है, इसकी स्थापना पर 2,500 रुपये व्यय किए गए।
तो जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में देखा, वीडियो में भी हमने देखा था कि जब भी हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो मशीन को खरीदने, उसको लाने ले जाने और स्थापित करने के जो व्यय होते हैं वो मशीन के कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमारी जो मशीन है वो 62,500 की है। अब स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य यहाँ पर दिया है, हास के लिए मशीन के कार्यावधि दी गई है, यानी कि हम एक फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला होगा यहाँ पर परचेस प्राइस ऑफ मशीनरी प्लस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पर हमारा हमारी जो वैल्यू हो जाएगी मशीन की वो होगी 60,000 प्लस 2,000 माइनस 4,500 अपॉन 10, यानी 62,500 माइनस 4,500 अपॉन 10। इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 5,800 इसका जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट हो रहा है, जो कि लगातार 3 वर्ष तक वही रहेगा क्योंकि हम स्थायी प्रभाव पद्धति से मूल्यह्रास की गणना यहाँ पर कर रहे हैं। अब मूल्यह्रास की गणना करने के बाद यहाँ पर हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जब हमने मशीनरी परचेस की तो हमारी जनरल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम मशीन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 62,500। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और कोई मशीनरी यहाँ पर परचेस नहीं की गई है तो हम इसको 31 दिसंबर को, हालांकि यहाँ पर डेट नहीं दी गई है लेकिन हम इसको कैलेंडर ईयर मान लेंगे और 31 दिसंबर को इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हम 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और क्रेडिट साइड में हम इसकी डेप्रिसिएशन के अमाउंट लिखेंगे 5,800 और फिर हम बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस और अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमारी मशीनरी है 62,500 की और इस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5,800। तो बैलेंस यहाँ पर हम देखते हैं कि 56,700 यहाँ हमारा बैलेंस आता है। तो टोटल यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड का भी हमारा टोटल जो है वो 62,500 आता है। एक साल का ये मशीन अकाउंट बना के हम यहीं पे क्लोज कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं और अब इसका जो बैलेंस हमने यहाँ पे निकाला था 56,500 इसको हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 56,700 और फिर हम इसका डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर मान लेते हैं हम इसको। और क्योंकि हम यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट फिर से नहीं करेंगे, जो हमने एक बार कैलकुलेशन कर ली है उसी से हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और 5,800 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब फिर से हम देख रहे हैं कि कोई नई मशीन ना तो परचेस की गई है ना सेल की गई है तो नॉर्मल यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने लिख ली है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो बैलेंस आएगा, तो बैलेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस और 56,700 में से 5,800 डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे तो 50,900 बैलेंस हमको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लोज कर देंगे हम सेकेंड ईयर का अकाउंट और ये जो 50,900 का बैलेंस हमको मिला है इसको हम थर्ड ईयर के ओपनिंग बैलेंस में हम मानकर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे 50,900। और क्योंकि थर्ड ईयर में भी हमको सेम वही डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखना है जो हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि यहाँ हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50,900 जो बैलेंस था उसमें से हमने 5,800 माइनस कर दिया तो यहाँ हमको बैलेंस मिलता है 45,100। ये थ्री ईयर का जो बैलेंस है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, टोटल ये यहाँ पर ये बंद हो जाता है 45,100 से। 1 जनवरी 2017 को एक मशीन 38,000 रुपये में क्रय की गई, 2,000 रुपये इसके स्थापना पर व्यय हुए, 15% वार्षिक की दर से स्थायी प्रभाग पद्धति द्वारा हास अपलिखित किया गया, 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए, खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹38,000 एंड ₹2,000 वॉज पेड एज इट्स irrigation charges. Depreciation for the same is charged at the rate of 15% per annum using fixed installment method.
प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, द फर्म क्लोज द बुक ऑफ अकाउंट ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2017 को एक मशीन खरीदी गई है 38,000 में, और इसके स्थापना पर यानी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है वो 2,000 है, यानी टोटल इस मशीन की कॉस्ट हम मानेंगे 40,000। अब यहाँ पर हमको डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो परसेंटेज बेस पे लगाना है, और क्वेश्चन में दिया गया है 15% पर एनम पे हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और 3 वर्ष का हमको मशीन खाता बनाना है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो खाता हम बनाने जा रहे हैं ये बुक इसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो 1 जनवरी को ओपन होती है और 31 दिसंबर को वो क्लोज हो जाती है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल हमारी जो मशीनरी है वो 40,000 की हो गई, क्योंकि 38 में हमने परचेस की थी और 2,000 इसके स्थापना पर हमने व्यय किया, यानी 40,000 की मशीनरी है। 15% पर एनम पे अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमको 6,000 डेप्रिसिएशन हर साल इसका लिखना है। अब हम जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो हम देखते हैं कि जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं हम जनरल एंट्री पास करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना है 1 जनवरी 2017 को टू कैश अकाउंट, और उसके बाद फिर हमको यहाँ पे 40,000 से इसकी एंट्री कर देनी है। फिर 2017 के लिए और कोई एडिशनल मशीनरी या फिर सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो यहीं पर हम इस अकाउंट को 31 दिसंबर को क्लोज कर देंगे। और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2017, और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट लिखेंगे जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम जनरल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसलिए हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000, और फिर हम बैलेंस निकाल कर ईयर 2017 का अकाउंट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी मशीनरी है 40,000 की, डेबिट साइड में 6,000 इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं तो हमारी मशीनरी हो जाती है 34,000 की। 34,000 बैलेंस यहाँ पर हमने लिख लिया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर यानी कि 2018 में हम फिर से इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे 34,000 को टू बैलेंस बीडी, और 34,000 यहाँ हम लिखेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2015 या 16 में कोई एडिशनल मशीनरी ना तो हमने परचेस की है ना सेल की है, तो 34,000 की ही मशीनरी, एक ही मशीनरी है हमारे पास। ये मानते हुए हम दिसंबर 2018 का ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है मशीनरी अकाउंट है इसको हम क्लोज कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो 6,000 से ही हम इसकी एंट्री करेंगे, और फिर हम यहाँ पर बैलेंस इसका फाइंड आउट कर लेंगे। 34,000 में 6,000 माइनस कर देंगे तो 28,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, और फिर से हम इसको ईयर 2018 में 34,000 के टोटल से इस अकाउंट को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, और ये जो बैलेंस है हमने यहाँ पे देखा था 28,000 का, क्योंकि ये ईयर 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है तो ये ईयर 2019 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और इसको हम ओपनिंग बैलेंस के रूप में 1 जनवरी 2019 को टू बैलेंस बीडी लिखकर यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे, और 28,000 को। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि 29 में भी किसी प्रकार की कोई एडिशनल मशीनरी ना तो परचेस की गई है ना सेल की गई है, अभी तक हमारे पास केवल एक ही मशीनरी है जो हमने 17 में परचेस की थी, और 17 में हमने उसकी एंट्री की थी, फिर हमने उसी मशीन की एंट्री 18 में की, और उसी मशीन को अब हम ले आए हैं 19 तक, तो एक ही मशीनरी है हमारे पास। और क्योंकि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, तो फिर से हम 31 दिसंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे क्रेडिट में, 6,000 से इसकी एंट्री करेंगे, और जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड में यानी मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और 28,000 की मशीनरी हमको दिख रही है यहाँ पर, 6,000 हम उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 22,000 का यहाँ पर हमको बैलेंस मिल जाएगा।